हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड के एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ चाय आपकी रेडी है, क्योंकि कोड तो हम ले आए हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज़। ऑलरेडी कुछ वीडियोस हो गए हैं, उसी वीडियोस के सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ डेटा टाइप्स, कुछ छुपी हुई बातें जावास्क्रिप्ट की, और इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और जिन्होंने वीडियोज़ को ऑलरेडी शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है, फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियोस को अपने ग्रुप के अंदर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, वीडियोस बैक टू बैक आती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के लिए एक स्पेशल नई फाइल बना दी है, 0 to Data Types। अब उसमें जाने से पहले, बहुत सारे आप में से लोगों ने मुझे DM किया इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, और कहा कि सर इस जावास्क्रिप्ट के नोट्स भी आप हमें दे देंगे क्या। अब देखिए, नोट्स के बारे में मेरे विचार ऐसे हैं कि मैंने आपको वेरिएबल्स के अंदर कुछ नोट ऑलरेडी दे दिए हैं, जैसे इस तरह का ये नोट। अब जो आपका जो माइंडसेट है, आप में से कुछ लोगों का वो शायद IIT JEE या किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन या ट्वेल्थ की प्रिपरेशन से आ रहा है, जहाँ पे आपको पता है कि कुछ भी सीखने के लिए एक पेन और पेपर लीजिए और उसको घिसिए। ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं सीखी जाती। देखिए, मैं ड्राई रन करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोड्स को ड्राई रन करते हैं हम भी कॉपी पेन लेके, कई बार मॉड्यूल्स डिसाइड करते हैं या लॉजिक डिसाइड करते हैं, बट सारा का सारा कोड कॉपी पेन पे सीखने से आपको कोडिंग कभी नहीं आएगी। आप उस PDF को लेंगे, एक ड्राइव में रखेंगे या WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देंगे, और उसके बाद कभी उसको नहीं देखेंगे। हो सकता है शायद आप उससे कुछ एग्ज़ाम पास कर लें, पर रियल कोडर तो प्रॉमिस है नहीं बन पाएंगे। कोडिंग सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होना, ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना। आप अपने नोट्स भी प्रेफर करिए, यहीं लिखिए, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं, इसी तरह से आगे भी देता जाऊंगा, पर कोशिश करिए सब कुछ यहीं करिए। वो कॉपी पेन पे घिसना बंद कीजिए, अगर कोडिंग करनी है तो यहीं पे प्रैक्टिस करिए, यहीं पे नोट्स लिखिए, जो करना है यहीं पे करिए, इसी से आप अच्छे कोडर बनेंगे। तो इसी तरह से शुरू करते हैं हमारी डेटा टाइप्स वाली वीडियो को। अब डेटा टाइप्स में स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। जावास्क्रिप्ट, वो जो जावास्क्रिप्ट है जो आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले बुक्स में लिखी गई थी, और आज जो जावास्क्रिप्ट है उसमें डिफरेंस है। पहले की जावास्क्रिप्ट में क्लासेस, मॉड्यूल, एरो फंक्शन, ये सब नहीं हुआ करते थे, अभी है। अब बहुत सारा कोड क्या है, ऑलरेडी पुराने तरीके से लिखा गया है। अब जावास्क्रिप्ट की जो कमिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, वो नहीं चाहती थी कि पुराना कोड खराब हो जाए, क्योंकि आप नया कोड यूज़ कर रहे हैं, और जब नया कोड यूज़ कर रहे हैं तो सबको एक स्टैंडर्ड मिलना चाहिए कि पूरे कोड को नए कोड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि आखिर सारा कोड रन तो इंजन से ही होना है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हुआ कि आप डबल कोट्स लिखते हैं और लिखते हैं यूज़ स्ट्रिक्ट। तो जैसे ही आप ये यूज़ स्ट्रिक्ट लिखते हैं, अब क्या होता है कि सारा आपका जितना भी कोड है वो ट्रीट किया जाएगा एज ए न्यूअर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसका मतलब है ट्रीट ऑल JS कोड एज न्यूअर वर्जन, और न्यूअर JS या न्यूअर वर्जन, जैसा भी आप चाहें। अब इसके चक्कर में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है तरीका जिससे आप लिख सके यूज नो स्ट्रिक्ट। तो एक बार यूज स्ट्रिक्ट लिख दिया है, तो अब पूरी फाइल में आपका कोड नए स्टैंडर्ड्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा इंजन के थ्रू। हालांकि अभी तो इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया कि आपको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ स्ट्रिक्ट मोड में चलता है। बट ये एक अच्छा सिंटैक्स है ये लिखने का, कि हाँ मैं सारे नए सिंटैक्स से यूज़ करूँगा, क्लासेस, मॉड्यूल्स और ये सब। इसके बारे में और आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, बट ये आपको काफ़ी जगह दिखेगा। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे हैं जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक ये अलर्ट स्टेटमेंट, ये आप ना जाने हज़ारों बार देखेंगे, और जैसे आप अलर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे हेलो, आप सबसे ज़्यादा आप सरप्राइज होंगे जब आप इसको रन करेंगे। जैसे हेलो रन करता हूँ या फिर मैं रन करता हूँ, इसके अंदर क्या है, कुछ लोग आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी सिखाते हैं। अर्थमेटिक सिंपल सा एक फैंसी नेम है एडिशंस, प्लस माइनस, इन सब ऑपरेशंस के लिए। जैसे 3+3 लिखा, अब मुझे पता है इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो 6 आना चाहिए, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं नोड के अंदर 01 के अंदर एक 02 फाइल है, इसको रन करते हैं, यहाँ पे एरर आ जाती है। ये एरर क्यों आती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी सब कुछ नोड के अंदर, और आपको जितने भी लोग ये सब सिखाएंगे, या तो वो HTML के अंदर फाइल को बाइंड करके सिखाएंगे, या फिर आ जाएंगे अपने डेवलपर कॉन्सोल के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे 3+3, ऑब्वियसली बात है एक पॉपअप आ जाएगा जो कि 6 कहेगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो सब एक डॉक्यूमेंट के अंदर है। बताया था ना आपको कि जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो ब्राउज़र के अंदर छुपा हुआ है, तो ये सारा काम तो यहाँ से हो जाता है, लेकिन ये अब वाली बात नहीं है, अब ऐसा नहीं होता है। तो अलर्ट को यूज़ करने का डिफरेंट सिंटैक्स है नोड के अंदर, ये है अवेलेबल बट अभी हम नहीं कर सकते इसको यूज़, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं वरना तो हमें प्रॉब्लम आएगी, और नोट्स भी लिख देते हैं यहाँ पे कि वी आर यूजिंग नोड JS नॉट ब्राउज़र।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना सब तो हो गया है बेसिक्स, लेकिन आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स में आता है कि कब आप स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं कब यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा यूज स्ट्रिक्ट के बाद मैंने एक सेमी कोलन लगाया बट अलर्ट के बाद नहीं लगाया, फिर भी सारा काम हो गया। ज़्यादातर फाइल जब आप लिखेंगे रिएक्ट नोड वहाँ पे आप सेमी कोलन्स अवॉइड ही करते हैं। और कोडिंग के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रीडेबिलिटी। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जैसे हमने ये तो सब जगह देख ही लिया है कॉन्सोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग आ गया, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं जो भी बेसिक ऑपरेशंस हैं 3+3, 3-3, आपको पता है क्या ही वैल्यूज आएगी। और इसके बाद तुरंत ही मेरे को प्रिंट कराना है कॉन्सोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया हितेश। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपको एक एरर मिल रही है। कोड को रन करेंगे ऑब्वियसली बात है तब भी एरर ही आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है रन करने का क्योंकि एरर ही आएगी, टाइम वेस्ट होगा हम सभी का। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि आप कहाँ पे स्पेसेस लगा सकते हैं, कहाँ सेमी कॉलन, अब यहाँ मैं जैसे सेमी कॉलन लगाऊंगा तो ये एरर चली जाएगी, बट आप रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रैक्टिस देखेंगे तब भी ये खराब ही चीज़ है। कोड एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, उससे उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक है। कोड रीडेबल भी होना चाहिए, फ्यूचर प्रूफ भी होना चाहिए, वरना एक्सपीरियंस किस काम का। तो यहाँ पे जो सबसे बेकार चीज़ है कोड रीडेबिलिटी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। कोई भी आके रीड करेगा कितना अजीब लगेगा उसको ये सब रीड करने में कि अच्छा यहाँ पे ही हो रहा है, उसी के बाद तुरंत आपने एक नेक्स्ट लाइन शुरू कर दिए, लाइंस की कमी तो थी नहीं। आप यहाँ पे इसको रिमूव करते और इसको एक सेपरेट लाइन में लिखते, कितना अच्छा लग रहा है, कितना रीडेबल है। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही है क्यों करना है ऐसा, प्लीज़ मत कीजिए। सिर्फ ये समझने के लिए कि हाँ अगर आप मेथड के अंदर यहाँ पे न्यू लाइन एंटर कर देते हैं या स्पेसेस को जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देती है, हाँ ठीक है वो बात हमें समझ में आ गई है, बट कोड रीडेबिलिटी की प्रायोरिटी है। ये वाले एग्जांपल्स कोई अच्छे नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। हालांकि अगर आप देखना चाहें, इसको रन करना चाहें, तो आप रन कर सकते हैं, सब कुछ ईजिली रन होगा यहाँ पे कि हाँ 6 भी प्रिंट हो गया और रितेश भी प्रिंट हो गया। बट मैं तो 10 में से 0 ही नंबर दूंगा इस तरह का अगर कोई कोड लिख रहा है तो प्लीज़ नहीं लिखिए इस तरह से। इनफैक्ट जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ एक्सटेंशंस भी मिलेंगे जो आपका ये सारा काम इजी कर देते हैं। जैसे आप प्रिटियर के अंदर जाएंगे, ये एक्सटेंशन हमने इसीलिए इंस्टॉल कर रखा है ताकि आपका कोड ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाए। अब इंडेंट तो हो जाता है लेकिन ये जो हरकत है ये नहीं सुधार सकते, तो प्लीज़ ऐसा ना करिएगा। यहाँ पे जाके एक्सट्रीम एग्जांपल्स इस तरह के नहीं लिखिएगा, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले कोड रीडेबिलिटी दैट शुड बी हाई। ओप्स, कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, बाद में मैं ठीक कर दूंगा। तो ठीक है, इस तरह का आप ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक बातें, अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे अलर्ट का मुझे आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना आएगा तो मैं भी आपको रेकमेंड MDN का ही करूंगा, क्योंकि काफ़ी ईजी डॉक्यूमेंटेशन है, अच्छी तरह से लिखा गया है, बट ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये मोज़िला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट का वो होता है यहाँ पे TC39.ES, ये है ECMAScript। जावास्क्रिप्ट क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग के डेज में आ रही थी तो सबके अलग स्टैंडर्ड थे, अलग ब्राउज़र, अलग स्टैंडर्ड, तो सब ने सोचा मिल के आते बैठते हैं और एक ECMAScript ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स लिखेगी, जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेगी, उसके स्टैंडर्ड्स लिखेगी कि अगर आप लूप लगा रहे हैं तो इस तरह से ही आउटपुट आना चाहिए, इस तरह से ही इनपुट लेना चाहिए, उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपका है, बट ये स्टैंडर्ड है, मिनिमम तो आपको फॉलो करना है। तो आप जितने भी मीम्स देखते हैं कि 1+1 ऐड करा तो ये आया, ये ऐड किया तो ये अलग क्यों आया, वो सब स्टैंडर्ड्स की कहानी है। आगे जाके बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड्स में भी प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स हैं कि ये हो फर्स्ट तो इस तरह से आउटपुट दो, तो सारी कहानी, सारा खेल यहीं पे है। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि जब आपको कुछ भी पढ़ना है, करना है, हालांकि ये डॉक्यूमेंटेशन इतना ईजी नहीं है, ये सिर्फ ब्राउजर्स या फिर जो इंजन्स लिख रहे हैं उनके लिए है, स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो जैसे सपोज करिए आपको यहाँ पे जाके देखना है कि मुझे ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है या फिर लैंग्वेज का लेक्सिकल ग्रामर क्या है, तो वो सब आपको दिखेगा यहाँ पे कि कब वाइट स्पेसेस को इग्नोर करना चाहिए, क्या उसके यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, कब मैं कमेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं, किस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने चाहिए, क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब यहाँ पे है। टोकन्स भी यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे कि किस तरह से आपको वेरिएबल्स का नाम लिखना अलाउ है, किस तरह से नहीं लिखना अलाउ है, क्या क्या है, ये सारा डिटेल यहीं आता है जिसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अब इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं कि एक एक स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ना है, किस तरह से नेम्स लिखने हैं, बट हाँ कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मिलती है जो कि मैं आपको इस सीरीज़ के दौरान वापस लेके आऊँगा। तो दो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा, TC39 और MDN। MDN पे तो हम बहुत घूमेंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप जाएंगे
तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये भी अपने आप में एक डेटा टाइप है। उसके अलावा आप जाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स और डेट्स भी आपको इस तरह के डेटा टाइप्स में दिखेंगे। तो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया हमारी इसका फाइल का डेटा टाइप्स, तो ऑब्वियसली बात है कुछ डेटा टाइप्स तो हमें डिस्कस करने ही पड़ेंगे। अब अच्छी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है कि इतने ज़्यादा डेटा टाइप्स नहीं हैं, ज़्यादातर काम बहुत ईजीली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, तो उसके अंदर नेम के अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हितेश, तो ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसी तरह से मैंने ले लिया एज और मैंने उसके अंदर बिना डबल कोट्स के लिख दिया 3, जो कि एज नहीं है, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 18 जो कि मेरी एज है, तो हमारे यहाँ पे नंबर्स वैल्यू हो गई। तो ये नंबर हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग। इसी तरह से जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिख दिया इज़ लॉग्ड इन, जो कि आप यूज़ करेंगे जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर लॉग इन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया या फिर हम लिख सकते थे फॉल्स। तो ये हो गए बूलियन टाइप के। तो ऐसे कितने टाइप के न्यूमेरिक ये डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं? ज़्यादातर नहीं है, सब इजी है। मैं आपको यहाँ पे नोट्स लिख के देता हूँ और उसी के दौरान हम डिस्कशन भी कर लेंगे। तो सबसे पहला है नंबर। अब नंबर का जो है ना एक रेंज भी है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ना, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट 2 to the power ऑफ ईदर 53 या 52 ऐसा कुछ है, तो वो उसका रेंज है। अब इसके बारे में और डिटेल देखना है तो ये सिर्फ एक रेंज होता है जितना आपका मेमोरी एड्रेस में मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि नंबर ही है, इसके बाद अगर कोई वैल्यू आ गया तो हम स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास बिग इंट भी है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लाइफ में आपकी जर्नी में आप बिग इंट यूज़ नहीं करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बिग इंट भी यूज़ करते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, या कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है रेडिट, फेसबुक, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। हम जो यहाँ पर बनाएंगे वो इतना नंबर कंज्यूम नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद एक बेसिक जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो उसको सिंगल कोट में भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट में भी। मेरा तो आपके लिए राय यही रहेगा कि डबल कोट्स में ही प्रेफर करें, ज़्यादा ईजी रहता है। अच्छा, इसके बाद आपको एक यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको, वो मिलती है बूलियन। अब बूलियन क्या है? सिंपल हाँ या ना की बात है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था आपको जावास्क्रिप्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बूलियन है तो आपको दो ही वैल्यूज़ यहाँ पे मिलती है, या तो आप बोल दीजिए हाँ या फिर आप बोल दीजिए ना। या तो यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, या तो उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है या नहीं है, या तो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत काम का भी है। आगे जाके इसी पे बेसिस पे हम बहुत सारे काम करेंगे। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, नल। ये जो नल है इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं। ये एक्चुअली में जो है ये एक स्टैंड अलोन वैल्यू है। यस, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यस डेटा टाइप भी है, लेकिन ये स्टैंड अलोन वैल्यू है। तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, अभी के लिए सिर्फ हम इतना बोल देते हैं कि ये एक स्टैंड अलोन वैल्यू है, नल एक टाइप है स्पेशली यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक और यहाँ पे वैल्यू जो आपको काफ़ी बार दिखेगी वो दिखेगी अनडिफाइंड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अनडिफाइंड क्या है और नल क्या है। अनडिफाइंड तो है कि जब आपने वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे कि हमने लिखा था लेट स्टेट और बोल दिया था कि अभी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, तो हुआ ये अनडिफाइंड कि अभी तक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है बट कोई वैल्यू नहीं देगी, अनडिफाइंड। और नल क्या है? नल एक रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी वैल्यू का। अब एम्प्टी का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया है यहाँ पे स्ट्रिंग और ये खाली है। खाली स्ट्रिंग अलग है क्योंकि इसका टाइप डिफाइन हो गया है स्ट्रिंग। नल एक स्पेशल टाइप है, आप इसको असाइन भी कर सकते हैं ऐसे नल, कि मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ कि अब वो अनडिफाइंड नहीं है, वो खाली है। जैसे खाली का मतलब है कि आपने किसी सर्वर से रिक्वेस्ट भेजी और उससे कहा कि मुझे टेम्परेचर बताओ। अब वो अगर टेम्परेचर जीरो भेज देता है, कि मान लीजिए सर्वर में कोई दिक्कत आ गई, अभी आपको टेम्परेचर नहीं भेज पा रहा, तो जीरो तो एक टेम्परेचर हुआ, तो उस केस में मुझे जीरो नहीं चाहिए क्योंकि जीरो तो एक टेम्परेचर है, मैं नल प्रेफर करूंगा। नल मतलब एम्प्टी, टेम्परेचर आया ही नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम इस पे बात करेंगे, पर अभी ध्यान रखिए कि नल एक स्टैंड अलोन वैल्यू है और अनडिफाइंड मतलब अभी वैल्यू असाइन नहीं हुई है। अच्छा, उसके अलावा और भी हमारे पास डेटा टाइप है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। एक हमारे पास वैल्यू आती है सिंबल। ये सिंबल बड़ा ही यूनिक है, इसका ज़्यादातर इंप्लीमेंटेशन आप तब देखेंगे जब हम इस चैनल पर रिएक्ट के बारे में बात करेंगे। जब आप बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपोनेंट यूनिक है, ये वाला कंपोनेंट इससे यूनिक है, तो वो यूनिकनेस फाइंड करने के लिए सिंबल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आता है। बहुत सारी जो आपके फिग्मा टूल्स हो गए, ये सब सिंबल्स का भरपूर यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए कि एक इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन सा है, या यूनिकनेस के लिए मोस्टली यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे बेसिक्स लिख देते हैं कि जब भी हमें बात करनी है यूनिक के लिए तब हम सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये तो हो गए हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नाम है सिर्फ कैटेगराइजेशन कर दिया गया है।
इसके बाद एक जो महारथी सबसे ज़्यादा आते हैं वो है ऑब्जेक्ट, और हम डिटेल में इत्मीनान में कम से कम 5-6 वीडियोस में तो एटलीस्ट बात करेंगे ही कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं कंसोल लॉग के अंदर, और एक हमारे पास वैल्यू मिलती है जो कि होती है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ। अब इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं, या तो आप टाइप ऑफ लिख दीजिए और आपको जिस भी वैल्यू का टाइप जानना है वो लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि इसका टाइप क्या है, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग टाइप ही आएगा। तो जैसे मैं सेव करके इसको लिखता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग दिख गया है क्योंकि इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग। या फिर जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया यहाँ पे, जैसे एज लिया है, तो आप उस वेरिएबल के बारे में भी जान सकते हैं कि ये एज जो है इसका टाइप मुझे बताओ, तो इसने बता दिया कि ये एक नंबर है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है जब आप उससे पूछते हैं कि एक्चुअली में स्पेशल चीज़ जैसे नल, इसका टाइप क्या है। और यही रीज़न है जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एरर्स का, जब आप टाइप देखते हैं नल का और इसको रन करते हैं तो आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। अब ये कुछ लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज की एक खामी है, जो कि है भी, और कुछ लोग कहते हैं कि यही तरीका है। और इसी तरह से जब आप देखते हैं कि मुझे देखना है अनडिफाइंड का टाइप क्या है, आप रन करेंगे और देखेंगे उसका टाइप अनडिफाइंड ही है, तो उसका तो स्पेशल टाइप हुआ, जैसे स्ट्रिंग का हुआ, नंबर्स का हुआ, तो अनडिफाइंड अपने आप में एक टाइप है, लेकिन नल एक ऑब्जेक्ट है। इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे जाते हैं आपसे, तो इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। कई लोग इसको लैंग्वेज का एरर भी बोलते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप अनडिफाइंड और नल का एरर लेते हैं तो आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट हमें पता है अनडिफाइंड ही आता है, क्योंकि वो एक टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन इसका जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। अब ये सब होता क्या है, कैसे काम में आता है, वो सब आप और आगे हम डिटेल में बात करेंगे। स्ट्रिंग्स कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंट कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या यूज़ होते हैं, ये सब हम जानेंगे। पर आज के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अभी एक असाइनमेंट में आपको छोटा सा काम करना है कि ये सब तो मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन इस ECMAScript पे एटलीस्ट आज या कल या जितने भी दिन वीडियोस नहीं आता है तब तक जाके प्लीज़ एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन को देखिए। ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि ज़्यादातर हम MDN के डॉक्यूमेंटेशन पे अपना टाइम बिताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब ये नोट्स आपको भी चाहिएंगे ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले और कमिट करेंगे। तो हमने करा है डेटा टाइप्स, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ, डिस्कस हो गए हैं डेटा टाइप, और इसको पहले मुझे प्लस करना पड़ेगा, और कमिट कर देता हूँ, और कमिट के बाद सीधा पुश कर देता हूँ इसको। तो अभी आपके पास सारी एक्सरसाइज फाइल्स हैं, जैसे ही आप इस GitHub रिपोजिटरी पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको 01 बेसिक्स के अंदर दोनों फाइल्स अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे फाइल मिल जाए, प्लीज़ रिपोजिटरी को स्टार कर दीजिएगा और उसको फोर्क भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी एक कॉपी रहे उसकी। तो ये तो हुई हमारी बेसिक्स डेटा टाइप्स के बारे में, आगे के वीडियो में और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।